हेलो फ्रेंड्स, चाय मत पियो। अच्छा चाय पी लो थोड़ा। आप लोग जो ये मेरे पीछे फर क्लिप देख रहे हैं, ये मेड इन इंडिया है, पुणे में मैन्युफैक्चर होता है और मैं आपको बताऊंगा ये कैसे ऑपरेट होता है। ये मॉडल का नाम है कैट 30 ओम। इसका कैपेसिटी है 310 के आसपास। नॉर्मल सारे फॉकलिफ्ट से एक ही दिखते हैं, तो अलग सा कुछ दिखेगा नहीं। ऑपरेशंस भी सेम ही है ऑलमोस्ट। तो मैं बताऊंगा आपको कैसे ऑपरेट करते हैं। ये एकदम ब्रांड न्यू अभी डिलीवर हुआ है 2 दिन पहले, अभी ऑपरेट भी नहीं हुआ है, तो काफ़ी कुछ अच्छा है। इधर डीजल के लिए, यहाँ ये डीजल है, बैटरी नहीं है। तो अभी नॉर्मली बैटरी आने लगा है, पर ये डीजल से चलते हैं। ये जो हाइड्रोलिक सिलेंडर आपको दिख रहा है, ये यूज़ होता है इसको लिफ्ट करने के लिए। ये मैक्सिमम यहाँ तक जाता है। यहाँ जो हाइड्रोलिक सिलेंडर दिख रहा है, इधर एक है, उधर एक है, ये इसको अप डाउन मीन्स सामने की तरफ डाउन करने के लिए या अप करने के लिए यूज़ होता है। इसका ऑपरेशन सारा यहाँ से होता है। ये लीवर्स हैं दोनों के लिए, लिफ्ट करने के लिए, एंगल चेंज करने के लिए। ये है इसका हैंड ब्रेक, ये स्टेयरिंग, ये गियर फॉरवर्ड बैक और न्यूट्रल के लिए, और ये लाइट वगैरह के लिए। इसका ब्रेक, ये एक्सेलरेटर, इसमें कोई क्लच वगैरह नहीं होता है। वैसे जो फॉक्स को कंट्रोल करने के लिए बैठ जाओगे तो ये ऐसा व्यू आपको दिखेगा, क्लियर व्यू, चारों तरफ फ्री व्यू, नो ग्लासेस, नथिंग, फ्री व्यू। बैठना है, कीज लगाना है, गियर लगाना है, ये ऐसे अप करके आगे करेंगे तो फॉरवर्ड, फिर अप करके बीच में करेंगे न्यूट्रल, अप करके पीछे करेंगे तो बैक गियर। इसका व्यू न्यूट्रल में रख दिया। ये लाइट्स है, डीपर है, और इसका आपका हॉर्न। ये है लीवर जो फॉक को अप डाउन करने के लिए, लिफ्ट को अप डाउन करने के लिए यूज़ होता है, आगे पीछे करके। और ये है जो पूरा सिस्टम लिफ्ट करता है, इससे ये कंट्रोल होता है, सेंटर वाला लोडर। पीछे करेंगे तो नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सॉरी, और नीचे करेंगे तो नीचे हो जाएगा, मतलब सिंपल, जैसे सिंपल रूल। तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें दिखाने को, आपको समझ में आ गया होगा सर। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। इसमें और एक फैसिलिटी है, जो गाड़ी को पुल, कुछ पुल करना है आपको, तो इस पर एंगल लगा के यहाँ से आप पुल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और अभी हमें इंडिया को प्रमोट करने के लिए इंडियन आइटम तो लेना ही चाहिए, बहुत ले लिया बाहर का, ले लो मेक इन इंडिया, चलो जाओ बुक करो।